क्लास फंडामेंटल्स इन जावा, इसका ये पार्ट 5 है। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, पहले एग्जांपल पढ़ेंगे तो उसका नोट्स क्लियर से समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है, जैसा यहाँ दो मेथड है, कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक मेथड है, बट उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगे। क्या प्रॉपर्टीज होंगे, अब ये मेथड देखेंगे, इसका नाम क्या है, एरिया। अब ये कंस्ट्रक्टर मेंबर मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल, वही जो क्लास नेम ही रहेगा उसे। कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम होगा वो क्लास नेम ही होगा, और उसके बाद इसे कोई रिटर्न टाइप नहीं रखा। रिटर्न टाइप मतलब अब जब ये मेथड है, ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। रिटर्न टाइप का मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये को रिटर्न कर रहा है, ये का टाइप क्या है, डबल है। तो ये हम यहाँ रिटर्न टाइप में लिखते हैं। बाई चांस इसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, कम से कम यहाँ वाइड रहता चाहिए, तो इसे कोई नहीं रहता है। कंस्ट्रक्टर मेथड को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, ना वाइड रहेगा। और तीसरा बात है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक दो प्रॉपर्टीज आप देखे हैं, इसका नेम सेम क्लास नेम ही रहेगा, और दूसरा इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज में, जब हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, इस क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल, यहाँ देख सकते हैं इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का ये बनाने का सिंटैक्स है, क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल देंगे इज इक्वल न्यू, फिर क्लास नेम पैरामीटर सेमीकोलन दे देंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ऑब्जेक्ट बनाते ही ये कॉल हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका ये और एक प्रॉपर्टी है, इसका तो तीन प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये कहा कि इसका नेम सेम एज क्लास नेम है, दूसरा बात क्या है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता, ये अपने आप कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनते ही। और इसका ये कंस्ट्रक्टर मेथड के दो पैरामीटर है, उसके वजह से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही ये दोनों वैल्यू पास करना पड़ेगा, आप कुछ भी वैल्यूज, दो वैल्यू पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज को ये कंस्ट्रक्टर लेके असाइन कर देगा, एल को एक वैल्यू असाइन करेगा, बी को एक असाइन वन कर देगा। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसा पिक्चर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ये क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर है, ये वेरिएबल के वो दो वेरिएबल है, इसलिए इसके दो मेंबर्स क्रिएट हुए ये ऑब्जेक्ट के लिए। जितने भी वेरिएबल उस क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, उतने वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे। उस ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका एड्रेस इसमें आएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस 2000 समझ जाएंगे, तो इसमें आर में आ गया ऑब्जेक्ट बनने के बाद। और उसके बाद ये वैल्यूज ये कंस्ट्रक्टर लेके एल बी को दे देगा, एल में एक वैल्यू दे देगा और जो वैल्यू हम दिए हैं। तो हमको जरूरी है कि आप, हमको मालूम है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप ये ऑब्जेक्ट बनते ही। जब कंस्ट्रक्टर के दो पैरामीटर है, उसे वैल्यू पास करना हमारे का काम है, तो नहीं पास करेंगे तो यहाँ ऐसा कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, डिफॉल्ट मतलब यहाँ जो पैरामीटर नहीं होंगे तो उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो कॉल हो जाता था। अब इसका जब हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर ले सकते थे, कोई भी तुम्हारा मर्जी का, और यहाँ पैरामीटर होने के वजह से ऑब्जेक्ट बनाते होते उसे वैल्यू पास करना पड़ेगा। देखिए ये तो हमें तीन प्रॉपर्टी पड़े हैं, ये एक प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेम सेम एज क्लास नेम रहेगा और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, ये अपने आप कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनते ही। एक्चुअली इसका डेफिनेशन है क्या है, इसका डेफिनेशन ये है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज का मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही उसे वैल्यूज इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज का मतलब जब यह आया, इनिशियल वैल्यूज मतलब समझो कि तुम्हें अब यहां पे एक वेरिएबल बनाते हो उसे वैल्यू नहीं देते हो, जब तक उसे वैल्यू नहीं देंगे हम, जब तक उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा, कोई लैंग्वेज में जीरो रहेगा उसका, तो उसका कोई अब यहां उसके बाद कभी हम एक वैल्यू देते हैं उसे, ये इज इक्वल टू, ये थोड़ी इनिशियल वैल्यू हुआ, तो ये 10 देने के पहले उसमें कुछ हुआ होगा, गार्बेज वैल्यू या जीरो कुछ भी हुआ होगा। ऐसा जब इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कुछ वैल्यू दे देंगे उसे बोल सकते हैं वेरिएबल को हम इनिशियलाइज किए, तो इनिशियलाइज का मतलब इनिशियल वैल्यू। तो ये का वैल्यू फिर बाद में हम देंगे तो इनिशियल वैल्यू थोड़ी हुआ, उससे पहले ही ये में कुछ रहता है, जब गार्बेज वैल्यू या कुछ भी रहता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, दूसरे फंक्शन भी करते थे उसे, ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने का मतलब इसे वैल्यू देने के लिए कंस्ट्रक्टर ही लिखना कोई जरूरी नहीं था, कोई दूसरा फंक्शन भी कर सकता था। अब लास्ट प्रीवियस हमें वीडियोस में देखे थे, सेट फंक्शन लिखा था हमें, वो सेट फंक्शन को कॉल करेंगे उसे दो वैल्यू दे देंगे वो उसे असाइन कर देता था, बट वो है ना इनिशियल, वो इनिशियलाइज नहीं बोलेंगे, बट कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज कर देगा, ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज कर देगा। और उसके बाद इनिशियलाइज होने के बाद फिर मैं एरिया को कॉल किया, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के पहले वो जिस क्लास में उस ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ता है,
और हमें ये ब्रैकेट में देखिए कंस्ट्रक्टर को मैं दो वैल्यू पास किया था, ये एरिया को मैं कुछ वैल्यू नहीं पास किया, उसे क्या पास करना, उसके यहाँ पैरामीटर देखेंगे तो आपको पता चले हाँ कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं भेजेंगे, ये एरिया को जस्ट कॉल कर देंगे, ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट के पास डेटा है ना। और ये क्या करेगा, कॉल करने के बाद लेफ्ट साइड में एक डबल वेरिएबल रखा, क्या लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल रखना इसका रिटर्न टाइप को देखेंगे तो पता चल जाएगा। जब आर डॉट एरिया कॉल करते एल इन टू बी कैलकुलेट हो गया, आंसर ये में आएगा, उसके बाद ये ए का वैल्यू जो रिटर्न होगा तो ये ए में आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसे डिस्प्ले कर ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट हमें कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में ये पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट बनते हुए उसे वैल्यू इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर, ये हम पढ़े हैं डेफिनेशन। बट याद रखना कि बिना कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनता भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर, ये बात हम पहले डीप सी जब पढ़ेंगे कि हम कुछ आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी तो क्या है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा यही पढ़ते हैं, मगर याद रखना कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इनिशियलाइज करता है, बिना कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो आपको डाउट आता होगा बिना कंस्ट्रक्टर का हम ऑब्जेक्ट बने थे प्रीवियस वीडियोस में, तो कंस्ट्रक्टर तो ये प्रोग्राम में आया है, तो प्रीवियस वीडियो में यही क्लास फंडामेंटल के प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टर नहीं था तब भी जाके हम ऑब्जेक्ट बने हैं, तो यहाँ ये पॉइंट आप देख सकते हैं। When no constructor is defined, a default constructor is provided by the compiler. जब तुम्हें compiler यहाँ defined नहीं करते हो तो compiler एक constructor को provide करेगा आपको, default constructor मतलब बिना parameter का, उसमें कुछ zeros initialize हो जाएंगे, एक default constructor तुमको provide कर, इससे पता चलता चाहिए constructor important है, constructor बिना constructor का object अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए ये properties है constructor, constructor do not have रिटर्न टाइप नॉट इवन वाइड, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है ना वाइड रहता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड लाइक मेथड, ओवरलोडेड लाइक मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर आप है ना एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी आप क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके दो पैरामीटर हो तो उसके एक पैरामीटर हो या तीन पैरामीटर हो या नहीं तो पैरामीटर नहीं हो, होंगे तो फ्लोट है, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए पैरामीटर में। ओवरलोड कर सकते हैं मतलब एक से ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड, इम्प्लिसिट का मतलब ये है ऑटोमेटिकली कॉल होगा बोल रहे हैं, व्हेन नो कंस्ट्रक्टर, ये तो पॉइंट हम बता दिए हैं, ये तो प्रॉपर्टीज थे और ये डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर और स्पेशल मेथड दैट आर यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, स्पेशल मेथड है वो इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम, इट इज सिंटैटिकली सिमिलर टू ए मेथड, उसका नेम सेम क्लास नेम ही रहेगा। सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टर ये है, अभी मैं प्रोग्राम भी समझा दिया हूँ आपको, थैंक यू।